हेलो फ्रेंड, एकता लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैरेमल क्रंच, जो हम केवल दो सामान के साथ बना के तैयार करेंगे और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें 2 टेबल स्पून चीनी चाहिए और कुछ बादाम की कतरन। यहाँ पे हमने एक बाउल में चीनी ली है और ये बादाम की कतरन। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन रखा है, पैन को गर्म हो जाने देंगे और यहाँ पे ये हमने जो चीनी ली है उसको ऐसे ही डाल के लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसमें कोई भी ऑयल घी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे हमें लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे पकाना है। याद रखिए, इसको धीमी आंच, इसे धीमे ही पकाना है और तब तक पकाना है जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। और ये देखिए, हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं वो डाल देंगे। इसे हम अच्छे से चला लेंगे, इससे ये लगे नहीं। अब हमने जो ड्राई फ्रूट की कतरन ली है उसे डालेंगे और साइन के लिए यहाँ पे हमने 1 टीस्पून घी डाल दिया है। इससे क्रंच में एक अच्छी सी साइन आ जाए। अब यहाँ पे हमने ये बादाम की कतरन डाल दी है और इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को हमने ऑफ कर दिया है और ये हमारा कैरमल क्रंच बनके तैयार हो गया है। इसको लगातार चलाएंगे। अब हमने एक प्लेट ली है और इसको हमने एक बूंद घी डाल के अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसी कैरेमल क्रंच को हम यहाँ पे प्लेट में डाल के अच्छे से फैला देंगे और ये 2 से 3 मिनट में ही बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही अच्छी ये क्रंची बन के तैयार होती है। इसे आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें। इसे आइसक्रीम में डालने से उसका फ्लेवर दुगना हो जाता है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए, हमने इसे प्लेट में फैला दिया है। और ये देखिए फ्रेंड, हमारा कैरेमल क्रंच बनके तैयार है। इसे हम फॉर्क की सहायता से या स्पून की सहायता से निकाल लेंगे और ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये निकल आता है। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट के तैयार कर लेंगे और आप चाहें तो इसे एक पॉलीथीन में डाल के बेलन की सहायता से तोड़ के बहुत छोटे छोटे पीस में तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, इसे हमने इसे तोड़ लिया है। ये कितना क्रंची बना है देखने में ही। अब हमने यहाँ पे एक पॉलीथीन ली है और इसे इसमें डाल के अदरक कूटने वाली, इससे कूट के आप तैयार कर लेंगे और बहुत छोटे छोटे पीस में आप इसे तोड़ के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से इसको यहाँ पे तोड़ के तैयार कर लिया है। आप चाहें तो बेलन की सहायता से और छोटे पीस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़े बड़े ही रखे हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और एक बाउल में सर्व करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, हमारा कैरेमल क्रंच बनके तैयार है।